कलम अहमदाबाद के आज छठे सेशन में हमारे साथ लेखक श्री इशाद कामिल जी हैं। श्री कामिल जी, अगर हम संक्षिप्त में परिचय दें तो इशाद कमल जी एक भारतीय हिंदी तथा उर्दू कवि व गीतकार हैं। उन्होंने जब भी मैट, चमेली, लव आजकल, रॉकस्टार व आशिकी 2 के लिए गीत लिखे हैं। कामिल जी हिंदी तथा उर्दू में पीएचडी की है। इशाद शुरुआती समय में टेलीविजन शो के टाइटल ट्रैक लिखते थे। उन्होंने कई शो के टाइटल ट्रैक लिखे हैं। उन दिनों कामिल जी ने पंकज कपूर निर्देशित शो अष्टम का टाइटल ट्रैक लिखा था। बस उसी शो के बाद कामिल जी की जिंदगी बदल गई। इसी शो के से उन्होंने हिंदी सिनेमा में एंट्री दिखलाई। कामिल जी ने हिंदी सिनेमा में एंट्री हिंदी चमेली फिल्म से की। उन्होंने इस फिल्म के गाने लिखे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उसके बाद तो बॉलीवुड में हर कोई उनके साथ काम करने के लिए बेचैन होने लगा। भारत प्रभा खैतान फाउंडेशन, हाउस ऑफ एमजी और कन फाउंडेशन की ओर से हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इशाद कामल जी के साथ श्रीमती जुमानी शाह वार्तालाप करेंगे। जुमानी शाह जी वरिष्ठ पत्रकार रह चुकी हैं DNA, इंडिया टुडे और गुजरात के लिटरेचर फेस्टिवल प्रोग्राम की डायरेक्टर भी हैं। अब मैं श्रीमती जुमानी शाह से नम्र विनती करूंगी कि इस शो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सवाल लेने के लिए इनसे सवाल करने से पहले मैं आपकी एक मिनट लेना चाहूँगी। वो इसलिए कि एक दिन पहले हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी जवान कुर्बान हो गए हैं। सो एक तो उन्हें याद करने के लिए तो हम एक आधी मिनट भी अगर उन्हें याद कर ले तो उनकी फैमिलीज बहुत ही हमारे लिए शुक्रगुजार रहेगी। तो एक वो चीज़ है। So we'll just observe a half a minute of silence. दूसरा एक बात ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि टेररिज्म जैसे कि ये अटैक हुआ है, उनका मकसद ज़्यादातर यही रहता है कि हमारी नॉर्मल लाइफ जो रोज़ाना ज़िंदगी है उसको अपसेट किया जाए। जवान हमारे लिए वहाँ इसलिए खड़े हैं कि हम यहाँ पे हमारी ज़िंदगी इस तरह से जी सके जो हम सिक्योरिटी से हम आसानी से जी रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमको ये काम हमारी ज़िंदगी बाकायदा रखनी चाहिए, हमें हमारा दिन तोड़ना नहीं चाहिए, हमको टेररिज्म को सकम नहीं करना चाहिए, तभी हमारे जवानों की कुर्बानियां वहां पे सफल रहेगी। हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी दुआओं में उनकी फैमिलीज़ हमेशा हमारे साथ है, हमारी याद में है। सो थैंक यू। इरशाद जी, यस, द वंडरफुल लिरिसिस्ट जो आपके गानों में जो शब्द होते हैं इनके होते हैं शब्द इनका, अगर आप किसी ने फ़ोन किया हो इनको, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इनको किसी ने फ़ोन किया हो तो इनका रिंगटोन आएगा, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। तो ये है इनकी पहचान। बाकी सब तो आता जाता रहता है, लेकिन ये एक पहचान है उनकी जो उनके अल्फाज शायद बयां करते हैं शायद नहीं करते हैं। सबसे पहले इरशाद जी, आप जब आपने कविता में PhD की है जी, तब आपने क्या सोचा था? आपने एक आप कवि है फिर आप बॉलीवुड लिरिसिस्ट बने हैं। ज़्यादातर तो लोग ऐसे होते हैं कि बॉलीवुड में लिरिक्स लिखनी है, अब क्या किया जाए उसके लिए, पर ये जनाब डेफिनेटली जब आप ट्रिब्यून में काम कर रहे होंगे तब आपने ये नहीं सोचा होगा कि आप बॉलीवुड में जाएंगे। जी सवाल इनका ये था कि किस तरह से जब आप काम कर रहे थे ट्रिब्यून में या जब आप पत्रकारत्व कर रहे थे तब आपने सोचा था, जब आपने कविता की PhD की तब आपने सोचा था कि मैं बॉलीवुड में लिरिक्स लिखूंगा? एक तो ये कि आपकी वो आशा थी कि ऐसा सपना था, और दूसरा कि नहीं, तो ये सफ़र कैसा रहा? हाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैं पैदा हुआ था मैंने तभी दिलीप कुमार बनने की सोच ली थी।
अब इस बात का कहना आप मजा लीजिए, रिकॉर्डिंग आपको कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगी इसी प्रोग्राम की, यही लोड कर देंगे। हाँ रह चुके हैं। तो जो वो मूवमेंट होता है उसका मज़ा लेना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम घर पे जाके उसको देखें फिर वो लाइव का मज़ा नहीं आता बात का, रिकॉर्डेड चीज़ रिकॉर्डेड ही होती है ना। तो खैर मैं जैसा मैंने कहा कि मैंने पैदा होते ही दिलीप कुमार बनने की सोच ली थी, इसका इस फिक्रे का इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मेरे जहन में बहुत पहले से बॉलीवुड में जाने की एक इच्छा थी, इसका मतलब ये है। तो वो जो एक इच्छा थी वहाँ जाने की, खैर मैं दोबारा से इस सवाल का जवाब देता हूँ। वो सब बात ये है कि जब हम छोटे थे ना, मोहल्ले में रहते थे, मोहल्ले आपको पता है शहरों में बड़े इम्पोर्टेंट एक पॉकेट्स होते हैं जहाँ मोहल्ले होते थे, आपस में खेलते थे। उन दिनों वो मीठी गोलियों के साथ फिल्मों की छोटी छोटी तस्वीरें आती थी, शोले की, दीवार की, या किसी और ज्योति बने ज्वाला की, ऐसी पिक्चरों की। मतलब जो मैं बातें करूंगा आप यकीन मानिए ये बातें मैंने कहीं नहीं की है, मैं बहुत पर्सनल होके और बहुत ही ज़ाती तौर पे दोस्तों के साथ है, जैसे बात होती है मैं वैसे बात कर रहा हूँ। ओके तो वो छोटी छोटी फोटो आती थी, तस्वीरें आती थी। अब होता क्या था, हम बच्चे थे तो हम वो खेलते थे, पाँच सात साल के, वो पैसे घर से मिल जाते थे, माँ दे देती थी, तो हमने क्या करना, जाना दुकान पे और वो पूरी ऐसे एक लड़ी होती थी उन फोटो की, फिर उनमें छांटते थे कौन से वाली अच्छी है, मेरा फेवरेट कौन सा है, अच्छा मेरा धर्मेंद्र फेवरेट है, तो मैं तो वो वाली फ़ोटो, जब ये सात नीचे वाली बिक जाएंगी ना तो मुझे बता देना, ये ले पैसे, वो आठवीं मेरे लिए काट के रख देना, वैसे वाले जोन में होते थे। तो हम वो शायद मुझे लगता है कि वो मेरी पहली एक इन्फैचुएशन टूवर्ड्स बॉलीवुड थी, कि एक पहला एहसास होता है कि यार अच्छा ये बॉलीवुड है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह का इतने खूबसूरत लोग दिखते हैं, इतनी खूबसूरत हीरोइंस होती हैं, अच्छा एक्शन भी होता है। शोले की पिक्चरों में वो गब्बर सिंह की फ़ोटो आपने देखी होगी, वो गब्बर सिंह को पकड़ा हुआ है संजीव कुमार को या कुछ ऐसा कुछ है, तो वो फैसिनेशन स्टार्ट हुई। और उसके बाद फिर मैं अकेला ही नहीं था, मेरे साथ और भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे। अब फिर शाम को वो खेल लिए सारे जो आपने खेलने थे, कंचे खेल लिए आपने और छुपा छुपाई खेल ली। अब रोज़ ही वो एक दो खेल खेलते खेलते आप बोर भी हो जाते थे कई बार। फिर क्या होता था, फिर उसी मोहल्ले में हमारे एक कुआं था, जो कुआं एक्चुअली बंद हो गया था, किसी ज़माने में वहाँ पे कुआं होता होगा, वो बंद हो गया था अभी। उसी मोहल्ले पे शूटिंग शुरू हो जाती थी। अच्छा भाई तू शोले पिक्चर का अमिताभ बच्चन है, मैं धर्मेंद्र हूँ, ओके, और ये जो है ना ये बिट्टू, ये बसंती है, ये नाचेगा अभी। और वो लकड़ी की फट्टियाँ सी होती थी, उनकी बंदूकें हाथ में लेके वी ट्राई टू एक्ट आउट दैट पिक्चर, यू नो दैट वॉज अ इनिशियल इन्फैचुएशन विद दिस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली व्हेन आई ग्रू अप तो मेरा लिटरेचर की तरफ ध्यान होने लगा, और लिटरेचर की तरफ ध्यान होने से हुआ ये कि किस तरह से मैं किसी भी चीज़ को अपने इंटरनली, जिसे कहते हैं कि इंटरनली ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, वो किस तरह से हो, लिटरेचर की तरफ ध्यान होने हुआ तो मैं पढ़ने लगा बहुत ज़्यादा। अब ये दोनों ही चीज़ें आर्ट हैं, लिटरेचर अपने आप किस्म का आर्ट है, फिल्में अपने किस्म का आर्ट है, तो दोनों तरफ बढ़ने लगा। अब बढ़ते 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 ग्रेजुएशन में हिंदी में ऑनर्स करने के बाद, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, फिर वो सब कुछ जर्नलिज्म और PhD करने के बाद, देन ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली मेरा बेंट ऑफ माइंड लिखने की तरफ ज़्यादा थोड़ा सा झुका हुआ है धीरे धीरे। तो ये एक मेरे पास दो कह लीजिए वो थी एक ऑप्शंस, आइदर यू बिकम ए राइटर फॉर द लिटरेचर फॉर द बुक्स ओनली, और यू बिकम अ राइटर फॉर द फिल्म्स। देन आई थॉट
कि अच्छा मुझे ज़्यादा फैसिनेट इस वक्त फिल्में कर रही हैं, तो क्यों ना मैं वहाँ जाके अपना कुछ काम करूँ। अब फिल्में ऐसी आज की कह लीजिए उसमें भी दौर में भी, आप किसी को बोलते हैं तुम क्या करोगे, आदमी बोलेगा मैं तो एक्टर बनूंगा, अचानक से पेरेंट्स ऐसे देखते हैं, या बोले कि मैं राइटर बनूंगा वहाँ पे जाके, तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता पेरेंट्स का या एल्डर्स का, भाई बहनों का, वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। जब मैंने कहा मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, तो एक रिएक्शन आया जो कि ऑब्वियस रिएक्शन है, आप समझ सकते होंगे कि किस तरह का रिएक्शन आया होगा। तो लेकिन अल्टीमेटली मुझे कहा गया कि पढ़े तो तुम हो नहीं यार, मतलब तुम्हें कोई जॉब वॉब मिल नहीं रहा है, अब जॉब वॉब मिल नहीं रहा है तो तुम बॉम्बे चले जाओगे। ओके, पढ़ा मैं हूँ नहीं, जॉब मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने यकीन मानिए पीएचडी इस वजह से कर ली कि इसके बाद कोई क्लास ही नहीं है कि पढ़ाई ख़त्म हो गई, भाई पीएचडी हूँ मैं। अच्छा, अब जॉब नहीं है तो जो आप पत्रकारिता कह रहे हैं ये इत्तफाकन मुझे मिल गई तो जॉब भी मिल गई। मतलब मैं किसी दोस्त को अपने मोटरसाइकिल पे उसका इंटरव्यू दिलवाने के लिए गया था और उन्होंने उसको छोड़ दिया, मुझे रख लिया। फिल्मी स्टोरी हो गई। सीरियसली फिल्मी स्टोरी। हॉस्टल में रहते थे हम, तो हॉस्टल में रहते हुए ऐसे लंच कर रहे थे हम, तो उसने कहा कि यार ऐसे ऐसे मेरा वॉक इन इंटरव्यू है तो तू मुझे छोड़ आना शाम को, फिर हम 15 चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ 15 सेक्टर में, मैं तुझे चाय समोसे खिलाऊँगा। तो वो काफ़ी बात होती थी, मतलब ये भी एक एक इंटरेस्टिंग वजह हो सकती है किसी को 7 किलोमीटर छोड़ने की उस टाइम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ने चला गया। अब मई जून का महीना था, गर्मी बहुत थी, तो मैंने सोचा यार, उसने कहा तू वेट कर बस ये 20-25 मिनट में आधे घंटे में हो जाना, फिर वापस भी इकट्ठे ही चलेंगे। मैंने कहा मैं धूप में क्या यहाँ खड़ा रहूँगा, मैं भी वहाँ अंदर एसी में जाके बैठ ही जाता हूँ ना, जो भी है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था एंड जैसे 20-25 लोग थे वहाँ पे और शायद दो कुछ वो थे जगह थी जो उनको भरनी थी, तो वो करते करते मेरा भी उन्होंने बोला हाँ भाई तुम भी आ जाओ, मैं भी चला गया। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पेपर सा दिया जिसमें बड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप के 10-12 क्वेश्चन थे और मैंने वो ट्रू फॉल्स टाइप का उधर ही करके कर दिया, तो उन्होंने 2-4 बातें की तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब नौकरी भी पूरी हो गई, पढ़ाई भी पूरी हो गई, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल ये तसल्ली दिला दी कि मैं हर लिहाज से काबिल आदमी हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये वजह बनी, इस तरह से मेरा रुझान जो आपने पूछा था कि किस तरह से कविता की तरफ रुझान हुआ, साहित्य की तरफ पहले रुझान हुआ, साहित्य से फिर पीएचडी हो गई, पीएचडी से फिर वो जॉब वाली बात भी पूरी हो गई, सारी शर्तें पूरी करते हुए, मतलब वो जो एक करियर और मेरे बीच में जितनी कुंडलियां मिलनी थी वो सारी मिला के मैं बॉम्बे चला गया। इनकी ये किताब है जो अभी अभी रिलीज हुई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल भी है, ऑथर साइन कॉपी आप जरूर लीजिए, ऑथर है यहाँ पे। तो ये किताब में से खास इन्होंने शोले का जिक्र किया, तो मैं दिखाना चाहूंगी, धर्मेंद्र जी के साथ इनका फोटो है जी। श्योर उन्होंने शोले के बारे में बात की होगी उस वक्त उनसे, और ये कैसे आप प्ले करते थे जी, 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 उसके बारे में बताया होगा। सो या दीज आर द मोमेंट्स दैट यू नो ऑल ऑफ अस फैन गर्ल्स फैन बॉयज चेरिश। मतलब धर्मेंद्र जी को मिलना आई एम श्योर आपकी जमाने के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कुछ बहुत ही बढ़िया फिल्मों के लिए लिखा है, मैं तो सिर्फ 4-5 यहाँ पे बात करूँगी, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी की लिस्ट काफी लंबी है। चमेली ये सबसे पहली, शायद आप कह रहे थे सबसे पहली नहीं है इनफैक्ट आपकी। चमेली मेरी सबसे पहली रिलीज्ड पिक्चर है, सबसे पहली साइंड पिक्चर है मेरी। सोचा ना था अभय देओल, वो हाँ बहुत सारे लोगों की पहली पिक्चर थी, मेरी भी पहली पिक्चर थी, इम्तियाज़ अली की भी पहली पिक्चर थी, अभय देओल की भी पहली पिक्चर थी, आयशा टाकिया की भी पहली पिक्चर थी, ये लंबी फहरिस्त है बहुत सारे लोगों की पहली पिक्चर थी। फर्स्ट रिलीज फिल्म थी जब भी मैं, जो काफी हिट हुई और इनसे इनका नाम काफी रोशन हुआ। लव आजकल रॉक स्टार, जो कि इनके गाने मेरे फेवरेट है, जब भी मैं और रॉक स्टार के गाने
ऑफ लेट आशिकी 2 हम सबने सुनी होगी, रांझना, हाईवे, तमाशा, ये कुछ फिल्में हैं जो एकदम मेन स्ट्रीम हिट्स रही है, जो इजीली आपको रिकॉल आता होगा। ये किताब भी यही कहना चाहती है कि हर गाने के पीछे एक कहानी होती है। जो लिखता है, लिरिसिस्ट होता है, वो क्या सोच के लिखता है, कुछ इंस्पिरेशन होता है, कुछ घटनाएं होती है, तो हर एक स्टोरी की कुछ ना कुछ, हर एक गाने की कुछ ना कुछ कहानी है। मैं आपसे मेरे फेवरेट सॉन्ग के बारे में पूछना चाहूंगी, जो कि है सादा हक रॉक स्टार का। इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रहा था, क्या कहानी रही थी? जी, आपने सुना होगा रॉकस्टार का गाना साडा हक इथिरा, अब इनका फेवरेट है। तो कहानी इस तरह से है कि ये उन दिनों की बात है, थोड़ी सी कनेक्टेड है बात में भी। अब इन्होंने जो जिस बात से शुरुआत हुई, हमारे यहाँ पे पंजाब का हूँ मैं, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से हमारे पेपर थोड़े डिले हो गए थे। उस टाइम पर मैं शायद 12वीं में हूँ, ऐसा कुछ मेरा अंदाज़ा है। और लेकिन उससे 6 महीने पहले ही किसानों ने किसी वजह से वहाँ पे हमारे इलाके में एक रैली निकाली थी। वो किसानों की रैली का नारा था एक्चुअली, साडा हक इत्थे रख। तो वो किसानों की रैली का नारा जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो हमने सुना। फिर 6 महीने बाद हमें ये एहसास हुआ, जब हमारे एग्ज़ाम्स की डेट ही नहीं आ रही थी, कि यार एग्ज़ाम देना तो भी हमारा एक्चुअली इतनी समझ भी नहीं होती थी, फ्रैंकली ईमानदारी से कहूँ तो। हमें लगा कि वो भी किसान भी बोलते थे हमारा साडा हक इत्थे रख, तो हम भी वो एग्ज़ाम के दिनों में जब एग्ज़ाम की डेट नहीं हो रही थी तो प्रिंसिपल के कमरे के आगे साडा हक इत्थे रख करने लगे थे। तो वो साडा हक इत्थे रख मेरे साथ तब से चला हुआ था। यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ, बेसिकली हर इंसान का मोहब्बत भी हक है, मोहब्बत भी हक है, आपको हक है मोहब्बत करने का, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये इस कंटेक्स्ट में बात क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। तो ठीक है, जॉर्डन को हीर मिले या ना मिले, पर हीर को मोहब्बत करने का जॉर्डन के पास हक तो है। तो वहां फिर मैंने साडा हक कहते रख इस्तेमाल किया। तो रहमान साहब थे, इम्तियाज जो पिक्चर के डायरेक्टर थे वो थे। तो जब हम ये सिचुएशन पर डिस्कस कर रहे थे, देन आई जस्ट थ्रो दिस के अच्छा, मेरे पास ये एक बात है यार, तीन ही वर्ड हैं उसके, आप पता नहीं वो कितनी रिलेटिव है या कितनी नहीं है, पर साडा हक कहते रख। एक मिनट के लिए पॉज आया और ये रेलेवेंस पूछी गई मेरे से, और मैंने रेलेवेंस बताई कि रेलेवेंस ये है यार कि एक्चुअली मोहब्बत भी तो राइट हो सकती है, तो वो उसका राइट है, वो उसको मिले ना मिले ये एक दीगर मसला है, ये एक अलग बात है, पर किसी को चाहने का हक तो आपका जाती है ना, पर्सनल है ना, वो नहीं छीन सकता कोई। वो फिल्म की फिल्मोग्राफी में भी ऐसा हो गया था विजुलाइजेशन में कि वहाँ पे टिबेट्स के राइट्स भी आ गए थे और कॉलेज के कैंपस में रेवोल्यूशन जैसा चल रहा है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, यू नो, कि एक प्योर लव स्टोरी है, इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, और ये सॉन्ग के लिए वो पूरा पॉलिटिकल मैसेज उसमें फिल्मोग्राफ किया गया था और वो काफी सक्सेसफुल रहा। आई मीन, हु वुड हैव थॉट ऑफ दैट? मतलब ये फ्रेज ऐसा है, जब डिस्कशन हुई देन we think about it and come out with this कि यार actually basically ये तो हर एक के दिल की बात हो सकती है ना। आप इसको किसी भी लिहाज से बना लीजिए, आप इसको political बना लीजिए, आप इसको personal बना लीजिए, आप इसको emotional बना लीजिए, आप इसको feelings के लिहाज से कहीं और लेके जाइए, but ये बात universal है। right तो हर आदमी को चाहिए अपना, वो भले घर में हो, भले घर के बाहर हो, भले दफ्तर में हो, भले आपकी सोसाइटी में हो, भले आपके समाज में हो, राइट तो चाहिए भाई, ये तो बेसिक बात है। तो वो रेलेवेंस हो गई थी। इसकी लिरिक्स मैं एक बार याद करना जरूर चाहूंगी। मर्जी से जीने की भी मैं क्या तुम सबको अर्जी दूं, मतलब कि तुम सब का मुझ पे मुझसे भी ज्यादा हक है, ज्यादा हक तेरा का। so,
ईशान जी, कमिंग बैक टू योर बुक, कुछ और इसमें से आप अपनी फेवरेट कोई ऐसी कहानी बताएं। मैं एक्चुअली पढ़ना चाहती थी, मेरी एक मैंने कहानी पढ़ी, इसमें आपके पास किताब होगी तो आप भी जरूर पढ़िएगा, चमेली का जो सॉन्ग है भागे रे मन कहीं, उसकी कहानी है, लेकिन समय कम है तो मैं वो पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आप बताइए, या तो ये सॉन्ग बताइए या तो कोई और गीत बताइए जो आपकी लाइक। देखिए ऐसा है, ये किताब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये किताब बहुत ही उस लड़के की किताब है ये, जो जब बम्बई आया था कुछ नहीं था, लेकिन कुछ सालों के संघर्ष के बाद, जिसको मैं संघर्ष नहीं मानता हूँ, दुनिया क्यों मानती है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है एक किस्म की ट्रेनिंग होती है जो ज़रूरी होती है, जो आपको कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई घर नहीं सिखाता, जो दुनिया ही सिखाती है जब आप अकेले दुनिया के साथ भिड़ जाते हैं। तो वो उस ट्रेनिंग की कहानी है ये उस लड़के की। और जब कोई भी हम में से एक उम्र में एक नौजवान जब अपने छोटे गांव से, कस्बे से बम्बई के लिए या किसी और बड़े शहर के लिए अपने सपने पूरे करने के लिए निकलता है, ख़ासकर बम्बई वाले, जो बम्बई, भले वो कोई एक्टर हो, भले वो कोई गायक हो, भले वो कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हो, भले वो कोई लेखक हो, जैसे मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, और यकीन मानिए सबके साथ जुमाना जी ऐसा ही होता होगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा कयास नहीं है, ये मेरा दावा है कि एक दिन होगा मैं भी वो ब्लैक लेडी उठाऊंगा और मैं कहूंगा थैंक यू टू माय पेरेंट्स, थैंक यू टू गॉड। वो मोर देन अवार्ड वो रिकॉग्नाइजेशन है, आपके काम की रिकॉग्नाइजेशन है। हम काम जो आर्ट वाले, खासकर आप सभी आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, हम क्यों कर रहे हैं? एक उसकी दो ही वजह है, अगर तीसरी वजह है तो मुझे लगता है वो जायज़ वजह नहीं होगी तीसरी। पहली वजह ये है कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हमें मज़ा आ रहा है उस काम का। दूसरी वजह ये है कि क्या हमारा काम रिकॉग्नाइज हो रहा है लोगों के सामने। बस ये दो चीज़ें हो जाए, दैट्स इट। हम कोई उस तरह के जो आर्टिस्टिक बैंड वाले लोग होते हैं, वो उनके पास कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं होता अपने आर्ट के अलावा कोई चीज़ के, मैं यहाँ पे एक मैरिज पैलेस खोल दूंगा और वहाँ पे जाके मैं रेस्टोरेंट बना दूंगा, ये ऐसा कोई नहीं है। कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मैं मन से करूँगा, मज़ा आएगा मुझे करने के बाद, फिर जब लोगों तक वो बात पहुँचेगी तो लोगों को पढ़ के, सुन के, देख के मज़ा आएगा, दैट्स इट। नहीं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे काफी सारे आर्ट फ्रेटर्निटी के लोग बैठे हैं और लेखक भी बैठे हैं, तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू भी लग रही कि लेखक लिखते हैं निज आनंद के लिए, उनको एक स्टोरी होती है जो उनका ऐसा मानना होता है कि ये समाज पढ़े, ये हमारी एक दुनिया पढ़े, तो कुछ इसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा या कुछ एक स्टोरी है जो आप कहना चाहते हैं, यही आप लिरिक्स लिखे या एक कहानी लिखे। सो ये इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये आपकी दूसरी किताब है? ये मेरी चौथी किताब है। ये मेरी चौथी किताब है। तो मैं कह रहा था इस किताब में उस तरह की छोटी छोटी, हर कहानी में 6, 7, 8, 10, 12 कितने भी गीत होते हैं, आपने फिल्मों में देखा है, हर गीत के पीछे एक कहानी होती है, शायद आपको नहीं पता होगा। अगर पता भी हो तो आपने कभी वो कहानी सुनी नहीं होगी। तो वो गीतों के पीछे की सारी कहानियां इस किताब में है। गीत लिखने की मोर देन गीत लिखने की प्रक्रिया है, और मेरी डायरी के ओरिजिनल पन्ने भी इसमें हैं जहां मैंने लिख लिख के काटा हुआ है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि भागे रे मन कहीं आगे रे मन गाना, जो आपके पास सिर्फ 2 अंतरे आए, उसके लिए मैंने 10 अंतरे लिखे थे, तो 10 अंतरों की मैंने फोटो दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब कह रहा हूं और आप मान लो, मैं सबूत दे रहा हूं कि मैंने 10 अंतरे लिखे थे उस पर। तो ये एक जिसे कहते हैं बहुत रियल इंसान की, रियल बातों की, रियल स्ट्रगल की, स्ट्रगलिंग रियल ट्रेनिंग की, और रियल तरीके से कुछ सीखने की और आगे बढ़ने की, और फिर थोड़ा आगे अपने आप को समझने की और दुनिया को समझने की कोशिश की किताब है।
अनुष्का जी, आपके लव सॉन्ग्स तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और फेवरेट्स भी रहते होंगे सबकी, आशिकी 2 के गाने, जब भी मैट के गाने, लेटेस्ट तो दिल दिया गल्ला है, आपने सुना होगा। आपकी लव स्टोरी के बारे में बताइए। तस्वीर जी से मेरी काफी बात हुई है, वो उनकी लाइफ में, उनके काम में भी काफी एक्टिव रही है। आपको पता शायद होगा, गुजरात के जो फेस्टिवल में इन्होंने परफॉर्म भी किया है उनकी वाज के साथ 2 साल पहले, और बहुत ही सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रहा था, आज तक लोग याद करते हैं। और उनके लिए तस्वीर जी ने काफी मेहनत की थी हमारे साथ, आई थिंक उनका पहला या दूसरा परफॉर्मेंस था आपके बैंड का उस वक्त, मुझे तस्वीर जी ने बताया था। नहीं ऐसा नहीं है, हमारा बैंड 2015 से, मई 2015 से परफॉर्म कर रहा है, 16 में हमारे, हाँ तो हाँ, 2015 से परफॉर्म कर रहा है। पर आपकी लव स्टोरी बताइए। मेरी लव स्टोरी मतलब ऐसी है जैसी लव स्टोरीज होती हैं सबकी। एक लड़का लड़की को मिलता है तो कुछ बीच में परेशानियां होती हैं, वो परेशानियां हम दोनों मिलके ठीक कर लेते हैं, फिर दोनों मिल जाते हैं, अब दोनों मिलके रह रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं इतना आसान भी नहीं है, बताइए एक लड़की को देखा तो कैसा लगा? देखिए ये हम, मुझे लगता है लेखक पे ही रहें तो ज्यादा अच्छी बात है, इरशाद कामिल पे मत जाएं। इरशाद कामिल और लेखक साथ साथ ही चल रहे हैं, बट आई फुली रिस्पेक्ट योर सेंटीमेंट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आप पंजाब से हैं, काफी आपने बताया ब्लू स्टार ऑपरेशन आपने देखा है, और आजकल भी हम देख रहे हैं काफी वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, आपके आस पास भी पूरा टेंशन का मामला है, तो इसके बारे में आप क्या सोच है, क्या राय है? आर्टिस्ट और लिटरेचर के प्रेमी लोग हमेशा चाहते हैं कि पीस रहे, तभी यू नो एक लव और पीस साथ में हो सकता है जी। आप बताइए इसके बारे में आपका क्या है? मुझे लगता है ये बड़ी दुख की तो बात है यार, इसके बारे में ये बोलना के बड़ी दुख की बात है, मुझे लगता है इस बात की तकलीफ को कम कर देना है। तो मैं अपनी बात इस तरह से कुछ अलग तरीके से कहूँ, या जैसे मुझे किसी ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, रेडियो स्टेशन से कॉल आया था, तो आप इस पे दो लाइनें बोल दीजिए। मैंने उन्हें जवाब दिया कि यार मुझे ना इस टाइम पे सच पूछो तो सामने जो मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ ना, मुझे रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा है, और तुम कह रहे हो मैं इस पे रिएक्ट करके अब ये कविता लिख दूँ और मैं तुम अपने चैनल पे चला दो, मतलब क्या इतना बाजारवाद है एहसास में और रियल जिंदगी में? तो मेरा तो, मैंने कहा दिमाग सोना हुआ हुआ है यार, मैं कैसे कोई कविता सुना सकता हूँ? लेकिन कुछ पुराने शेर मेरे ज़रूर याद हैं और लोगों के, जो मुझे लगता है काफ़ी काफ़ी जायज़ हैं इस तरह की बातों के लिए। जैसे राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे अक्सर याद आ जाता है ऐसे मौक़ों पे, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो ये बात मुझे अचानक से, मुझे ये शेर याद आ जाता है, या फिर वो है कि उनका जो फर्ज, वो जिगर मुरादाबादी साहब का है कि उनका जो फर्ज वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो ये हम जो अफसोस भी करते हैं, तकलीफ भी मनाते हैं, हमें बुरा भी लगता है, कितनी बार बुरा लगता रहेगा, कितनी बार तकलीफ मनाते रहेंगे हमें इससे। थोड़ा सा मैंने उनको भी बोला था कि जो रेडियो पे हो रहा था, और मैं खुद भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ, यकीन मानिए, कि हमें अफसोस मनाने से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम जिनके हाथ में कोई कुछ करने का वो है, एक पावर है, एक ताकत है, उनको कुछ करना चाहिए। अफसोस मना के तो, अफसोस तो किसी समस्या का हल नहीं है ना, हमें समस्या का हल चाहिए। मतलब कभी पठानकोट में हो जाता है, उरी में हो जाता है, कहीं अब पुलवामा में हो जाता है, क्यों हो जाता है, सवाल ये है, क्यों नहीं हम रोक पाते हैं, सवाल ये है कि अपनी तकलीफ जताकर हम कैसे इस गिल्ट से निकल सकते हैं कि अरे हमने तो तकलीफ जता दी थी भाई, ये इतनी छोटी बात नहीं है। तो
मेरे ख्याल से ये इस बात को अंदर महसूस करना चाहिए बनिस्बत इसके के इसके बारे में कुछ कहा जाए। हम वापस अपने उसकी तरफ लौटते हैं। अपने लिरिक्स की तरफ हमारी लिखाई की तरफ पहुंचे। आई वुड ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट दैट वी हैव टू फाइंड अ वे सून। सो या कोई सवाल पूछना चाहिए आप? हां, मेरा नाम ऋषि है। ऋषि जी, मैं भी कविताएं लिखता हूं। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये पूछना है कि जब कोई कविता आधी रह जाती है तो उसमें आपको कुछ दर्द होता है कि यार ये पूरी क्यों नहीं हो रही है या कैसे पूरी करूं या फिर वहीं पर छोड़ देते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है दोस्त, दो तरीके हैं। जितने लिखने वाले बैठे हैं वो सब, हम सब दोस्त लोग हैं, तो मैं अपनी राय बड़े दोस्तों की तरह दूंगा। प्लीज़ उसको ऐसा मत समझिएगा कि किसी एक्सपर्ट की राय है। कभी आर्ट में कभी कोई एक्सपर्ट नहीं होता। तो बात ये है दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना हाफ बेक्ड इमोशन निकाल दिया आपने। उस इमोशन को अभी और बेक होना था, उस इमोशन को अभी और धीमी आंच पे पकना था, उसको और गाढ़ा होना था। आपने जल्दबाजी कर ली तो वो अधपकी चीज और अधूरी चीज आपके सामने आ गई। और ये एक बात। दूसरी बात, आपकी जो अधूरी कविताएं हों किसी की भी, उनकी अलग से एक किताब बना लीजिए अधूरी कविताओं के नाम से। हेलो जी, मैं अशोक हूँ। जी जी, मैं कविता नहीं लिख सकता हूँ जी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बट इट इज एन ऑब्जर्वेशन, कि एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ टॉकी इन हिंदी फिल्म्स 1931 जी, हमारा जी, वहां से लेकर आज तक जितनी भी फिल्में बनी, जितने भी लिरिसिस्ट हुए, वो सब हिंदुस्तानी में लिखते हैं जी। हिंदी या उर्दू में शायद लिखा गया, जैसे भरत व्यास जी, प्रदीप जी हिंदी में लिखते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी हिंदी भाषा मर रही है, और क्या जो हिंदी फिल्मों के लिरिसिस्ट है उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है कि भी हिंदी को रिवाइव करें? Please. बहुत बहुत अशोक जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े अच्छे आ रहे हैं अभी तक। ये दूसरा आया और हम पूछेंगे और पूछेंगे, प्लीज़ आप झिझकिएगा मत कुछ भी पूछने से। मुझे ऐसा लगता है अशोक जी, किसी भी फिल्म में जिसमें कोई किरदार खालिस उर्दू या हिंदी नहीं बोलता, उसमें खालिस हिंदी या उर्दू गाना नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि हमारे ज़्यादातर फिल्मों के किरदार हिंदुस्तानी बोलते हैं, इसलिए ज़्यादातर गाने हिंदी में लिखे जाते हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है, वो साहिर ने भी मन तड़पत हरिदर्शन को आज लिखा हुआ है, हाँ शकील साहब ने लिखा हुआ है, हाँ शकील साहब ने लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये मैं कल शैलेंद्र जी का एक वो कर रहा था प्रोग्राम अटेंड, तो शैलेंद्र जी ने खालिस उर्दू में लिखा हुआ है, मैं उनकी पिक्चर का नाम भूल गया हूँ। तो ये जहाँ हम बेसिकली गीतकार किरदार के लिए गाना लिखते हैं, किरदार की जबान जो है, जो वो नॉर्मल, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नॉर्मल बातचीत में इस तरह की जबान इस्तेमाल करूं और अचानक से मैं गाढ़ी हिंदी या गाढ़ा उर्दू इस्तेमाल करने लग जाऊं, ऐसा बड़ा कम, वो जर्क आ जाता है। जहां तक जिम्मेदारी की बात है, मैं आपकी बात ये मानता हूं, हमारी जिम्मेदारी हिंदी या उर्दू को लेके या अपनी किसी भी भाषा को लेके, वो भले बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी रीजनल भाषा हो, मैं ये जिम्मेदारी ज़रूर मानता हूँ कि जब हम इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, उसकी ग्रामर करेक्ट हो, उसका मुहावरा करेक्ट हो, उसका वर्ब हम गलत ना इस्तेमाल कर लें। कोई लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करें किसी फ्लो में, किसी पंक्ति में, तो वो फ्लो करेक्ट हो, वो ज़रूर एक जिम्मेदारी है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं बाजारवाद के उसमें कह लीजिए, या हमारी नॉर्मली भाषाओं को लेके हमारा जो रवैया रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं ये चीज़ हार्म भी हुई है। काबिल जी, पहले ऐसा होता था, जो सुना सुनी सुनाई बात है, कि फिल्मों में पहले लिरिक्स लिखे जाते थे और फिर म्यूजिक बनता था जी, और आजकल ये सुनाई देता है कि भाई पहले म्यूजिक बनता है
और फिर उसमें गाना बिठाया जाता है जी। ये तो सुने सुनाई बात है, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सही क्या है, सही दोनों में आधा आधा सही है मैम। अच्छा। जो आपने दो बातें कही, पहले सारे ही गाने लिखे जाते थे और फिर धुन बनती थी, ऐसा नहीं है। अच्छा। पहले भी धुन बनती थी कुछ गानों पे और उसके ऊपर गाने लिखे जाते थे। अब भी आप 99% मैं मानता हूँ 99% गाने धुन पे ही लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कोई बहुत बाई चांस मौका मिल जाता है कि जहाँ आप कुछ लिख देते हैं जिनमें से एक आधी लाइन म्यूजिक डायरेक्टर रख लेता है, बाकी फिर गाना आपको दोबारा से ही लिखना पड़ता है। और इसके एडिशन में ये पूछना चाहती थी कि क्या ये बहुत मुश्किल होता है गाना बिठाना, ये शब्दों को बिठाना? ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, रियाज है, किसी भी कोई भी चीज़ रियाज है, मुश्किल कुछ नहीं है जिंदगी में, सब रियाज ही है, है ना। तो वो इसमें बहुत सारे पहलू रहते हैं, बहुत सारे पहलू कौन से रहते हैं, मैं आपको उन पहलुओं की तरफ ध्यान दूं। जैसे आपने इतना ये कंपोजिशन ये है कि ला 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 ला, अब ला ला में अगर मान लीजिए मेरे दिमाग में ये बात आए कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, एग्जांपल के, तो ला में तो तुम्हारा फिट ही नहीं होगा, तो वहाँ तुम्हें सुन 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 साजना ही भरना पड़ेगा, है ना। सुन सुन मतलब एक एक मात्रा है, तो आपको एक एक मात्रा में खेलना पड़ेगा। कंपोजिशन की ये समस्या रहती है कि आपको जितना लिख दिया गया है, जो मात्रा दी गई है, आपको उन्हीं मात्राओं में खेलना होता है, एक बात। दूसरी बात, कहानी जो गाना होता है वो किरदार का गाना होता है, जो मैंने ये जो लिखा गया है, इरशाद कामिल ने लिखा ज़रूर है, पर जब वो लिख रहा था इरशाद कामिल, उस टाइम वो इरशाद कामिल नहीं था, वो जॉर्डन था, वो जॉर्डन था, वही गीत भी था, वही वेद था, वही मीरा भी था, तो वो करेक्टर ने लिखा हुआ गाना है, दूसरी बात। तीसरी बात, एक कहानी है, एक कहानी के दौरान, उस फ्लो के दौरान एक मनोविज्ञान किरदार का कहीं पहुंचा हुआ है, तो आपको उसी मनोविज्ञान में रहते हुए गाना लिखना पड़ता है, तीसरी बात। चौथी बात ये कि अब क्योंकि बाई चांस वो किरदार थोड़ी देर के लिए इरशाद कामिल बना हुआ है, मतलब जॉर्डन भले स्क्रीन पे नहीं बना, अपने कमरे में तो बना हुआ है ना, वो अपनी सोच में तो बना हुआ है जॉर्डन, तो क्योंकि तो आप वो सोचता है कि थोड़ा सा यार इरशाद कामिल भी बच जाए, कहीं गाने में दिखाई दे जाए कि अच्छा इस लाइन में इरशाद कामिल है यार, वो भी बचाना आपका फ़र्ज होता है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रेशर होता है, या कह लीजिए एक आपसे डिमांड होती है कि गाना हिट होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये, और उसके बाद एक और बात होती है कि जब आप लिख के लेके जाते हैं गाना, कई बार म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है इसके लफ्ज थोड़े से यार ऐसे हैं, ये ना एंड आ से होना चाहिए, तुमने ऊ से किया है, ऊ नहीं चाहिए मुझे, आ चाहिए। तो ये बहुत सारे 6-7 ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के आपको एक गाना तरतीब देना होता है। Means not only the character has to sink in, the actor has to sink in, but the lyricist or the character has to sink into the character. मैम ये बात बहुत सारे दोस्तों के बीच में कह चुका हूँ कि एक्चुअली ये जो रणवीर कपूर या शाहरुख खान साहब या सलमान खान साहब गाने हीरोइंस के साथ गाते हैं, ये तो बहुत बाद में गाते हैं, मैं तो पहले ही गा लेता हूँ अपने कमरे में बैठा हुआ। क्या बात है, थैंक यू। सर, कभी आपके साथ ऐसा मतलब आपको ऐसा फील हुआ कि जिस जज्बात से, जिस गहराई से आप गाना लिख रहे हो, वो सेम काइंड ऑफ गहराई सिंगर जो है वो शायद उसको उतना गहराई से महसूस कर पा रहा है या नहीं, ऐसा कभी कश्मकश आपको फील हुआ है? जैसे आपका एक गाना है जिसको ढूंढे बाहर बाहर, बैठा है भीतर छुप के, अकल के पर्दे पीछे कर दे, हाँ। तो आप कभी आपको लगता है कि जिस गहराई से आप लिखते हो, जितना आप उसको फील कर रहे हो, वो सेम डेप्थ वो सिंगर कभी फील कर पाए ना कर पाए, ऐसा कुछ लगा? जी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप बात करते हो, आपने कुछ लिखा होता है किसी एक मोमेंट पे, किसी ना किसी वजह से वो आपको लगता है कि कम हो गया, सिर्फ पिक्चराइजेशन में या सिंगिंग में
इवन लोगों तक पहुंचने में। एक गाना है मेरा, जैसे आपने दिल दिया गल्ला आपने सुना, आपको पसंद भी आया, स्वैग से स्वागत भी सुना आपने, वो भी आपको मतलब यूट्यूब पे उसको भी साथ सो। उसी पिक्चर में गाना है एक के तेरा नूर नाम से नाम गाना है। उस गाने की मैं चार लाइनें बोलता हूँ, देखिएगा उसमें भी कहाँ लिटरेचर है। कि जो थी तेरे वजूद पे दुनिया, जो थी तेरे वजूद पे दुनिया, बैठी है बारूद पे दुनिया। जो थी तेरे वजूद पे दुनिया, बैठी है बारूद पे दुनिया, मूल तो सबको भूल गया है, जीती है अब सूद पे दुनिया। अब ये बात तेरा नूर गाने में है, फील भी है, गाया भी बहुत अच्छा है गाना। अब अगर सुनने वालों तक नहीं पहुंच पाया, या कह लीजिए कंपनी ने नहीं पहुंचाया, तो जो अच्छा सुनने वाले हैं उन्होंने भी ये जहमत नहीं उठाई कि हम ही देख लें यार कहाँ अच्छी लाइन छुपी हुई है। तो ये जिम्मेदारी मुझे लगता है थोड़ी सुनने वाले की। हाँ जी, तो वो ही बात मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कम रहता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि कभी कभी आपको महसूस होता है कि ये गाना कहीं और पहुँचना चाहिए था। कभी कंपनी की वजह से नहीं पहुँचता, कभी सिंगर की वजह से नहीं पहुँचता, कभी म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से नहीं पहुँचता, कभी पिक्चराइजेशन की वजह से नहीं पहुँचता है। और कोई कोई गाना पिक्चराइजेशन के बाद आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले लिखा था वो थोड़ा कम पड़ गया। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसा ही नहीं है कि हमें ही कम लगता है, कई मतलब हमें लगता है कि हमारी मेहनत हमें ही लगता है कि सामने वाला कम पड़ गया। कभी कभी हम भी कम पड़ते हैं। अगर तुम साथ हो गाना एक्चुअली हम कर चुके थे, लिखने के बाद, कंपोज करने के बाद, लोगों तक मतलब शूट होने के बाद, जब वो पिक्चराइजेशन के बाद गाना आया, हमें लगा कि यार ये तो कुछ और ही पिक्चराइजेशन हो गई गाने की। हमने जो कंपोज किया था या गाना बनाया था इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो तो कम पड़ रहा है इतनी इंटेंस मोमेंट में। कितने, मुझे लगता है वो इम्तियाज का बेहतरीन शूट हुआ हुआ गाना है, बेहतरीन शूट हुआ हुआ गाना। हमने वो जो पहले गाना बनाया था वो स्क्रैप किया, उसके बाद हमने दूसरा गाना बनाया, हम फिर नहीं पहुँच पाए, हमने स्क्रैप किया। फिर हमने तीसरा गाना बनाया, हम फिर नहीं पहुंच पाए, हमने स्क्रैप किया। चौथी अटेम्प्ट थी अगर तुम साथ हो उस पिक्चराइजेशन के लिए। और हमारी अच्छी किस्मत ये थी कि गाना लिप सिंक नहीं था, इसलिए हम चेंज कर सकते थे। अब मैं जो पहले जुमाना जी उस पे हमने अटेम्प्ट किया था किसी एक गाने की, मतलब किसी एक लिरिक्स की दो लाइनें मुझे याद हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। बुरी वो भी नहीं है, पर एक बात होती है ना कि यार वो वहाँ नहीं पहुँचा। अगर मैं कहूं कि यार बात वहां नहीं पहुंची, तो सामने वाले को वहां ये किसको कह रहा है नहीं पता, वो मुझे ही पता है कि मैं किसको वहां कह रहा हूं, राइट। तो उसकी दो लाइनें ये थी, सिचुएशन पे आप सोच के देखिएगा बड़ी फिट बैठती हैं। वो ये गाने थी कि अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे, ये भी फिट है उस सिचुएशन पे। अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे, फिट है। पर वो वहां नहीं पहुंची जहां पे एक एक आपको लगता है कि यार ये तीर वहां लगना चाहिए उस निशान पे। लेकिन ये बहुत बहुत बढ़िया शेर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नमस्कार, कुलवीन है मेरा नाम जी। मेरा एक ही सवाल है आपसे, बहुत सिंपल सा। भागे रे मन आपका पहली फिल्म जो रिलीज हुई चमेली, उसका गाना है जो आपकी लाइफ से, जो आपकी लाइफ स्टोरी है, काफी रेलेवेंट है। वेयर एन यू हैड बीन सीकिंग एंड सर्चिंग योरसेल्फ एंड फाइनली यू फाउंड योर डेस्टिनेशन। सो इज दैट अबाउट योर स्टोरी, योर माइंड व्हिच वाज फ्लोइंग इनटू इट, और ऑन द पोजीशन ऑन द फिल्म इटसेल्फ? नहीं मैम, एक्चुअली जैसा मैंने कहा, मैं उस टाइम पे, यकीन मानिए, करीना कपूर था, मैं चमेली था। हाँ, उस टाइम मैं चमेली था, क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, सब आर्टिस्ट हैं हम, वो ना बड़े कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो मेंटली कहीं भी चले जाते हैं, वो बड़े थोड़े से जिसे सरके हुए कहते हैं, वो सरके हुए टाइप के लोग होते हैं, है ना।
तो वो मुझे लगा ये चमेली फंसी कहीं और हुई है, एक्चुअली इसकी उड़ान ख्यालों की कहीं और है। उसका चमेली का मैंने पूरा करेक्टर चार लाइनों में सम अप किया था, वो रोशनी, वो प्रोस्टिट्यूट सी थी चमेली में जी, हाँ वो है चमेली का किस्सा लिखा हुआ है मैंने, स्टोरी इसके बारे में। तो उसकी चार करेक्टर चार लाइनों में सम अप किया था कि वो रोशनी वो आग है या फिर कोई चिराग है, वो रोशनी वो आग है या फिर कोई चिराग है जिसे धीरे धीरे जलना है, जिसे इस तरह ही चलना है किसी मोड़ पर वो आज भी कंदील सी जलेगी, किसी मोड़ पर वो आज भी कंदील सी जलेगी, शहर की धूप में, शहर की धूप सी बेवक्त ही ढलेगी। तो ये आप, जैसा मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए वो करेक्टर उसकी साइकोलॉजी में चले जाते हैं। So, आप जितना अच्छा लिखते हैं, आई थिंक बोलते बोलते भी उतना ही अच्छा है। और मीठा, बहुत मीठा बोल रहे हैं, जबान काफी मीठी है। ये मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे शेड्स हैं आपके सॉन्ग में, जैसे इनकलाबी हैं आप कहीं रॉक स्टार में, कहीं जिद्दी हैं ये मैं आपको बताऊं, इंसान कोई भी एक इंसान नहीं होता, वो उन्होंने कहा हर आदमी में है 10-20 आदमी, वो ये जो 10-20 आदमी हैं वो हम सब में ही होते हैं। सवाल ये है कि हम कब किस इस इंसान के साथ, किस इंसान के लिए मुखातिब होते हैं। मैं वही इरशाद कामिल हूँ जो आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, वही इरशाद कामिल अपने छोटे बेटे को मे बी टेबल या सिखा रहा होगा, वो भी इरशाद कामिल ही है। वो जो अपनी वाइफ के लिए ड्राइवर बना होगा, वो भी इरशाद कामिल ही है ना। और वो जो जिसको लग रहा होगा कि सिर्फ यार अफसोस जताने से कुछ नहीं होता, अफसोस से आगे बढ़ते हैं यार, ये क्यों इतनी तकलीफ है, वो भी इरशाद कामिल ही है। और वो जिसको कुछ कोई लड़की अच्छी लग जाती है, वो भी इरशाद कामिल ही है। और जिसको कोई सिचुएशन बहुत ख़राब लगती है, वो भी हम में सब कुछ है। और मैं अगर आपको बोलूं कि ये मेरा किरदार है इस गाने में, फ्रेंकली जैसा मैंने कहा, मेरा तो किरदार किसी गाने में है ही नहीं, मैं तो किरदारों के लिए गाने लिख रहा हूँ। मैं तो वो किरदार, अगर शायर होता, अगर वेद पोएट होता, तो वो कैसे लिखता, मैं सिर्फ उसका, उसकी प्रॉक्सी कर रहा हूँ। अगर जो सुल्तान थारे जैसा ना कोई, आप सिमिलीज देखिए कि जब घूमिया थारे जैसा ना कोई, तो मुझे लगा मैं पहलवान हूँ, पहलवान कोई चांद सितारों की बात तो कर नहीं सकता, वो तो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है ना, उसको तो मौसमों के साथ, क्योंकि वो बॉडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए रेसलर, एंड बॉडी इज द बिगेस्ट पार्ट वेयर यू कैन फील द सीजन, भले वो सर्दी हो भले वो गर्मी हो, आप सर्दी गर्मी ख्यालों से तो महसूस नहीं करते, बॉडीली महसूस होती है वो चीज़। तो बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, उसको तो बॉडीली फील होगी ना वो बात। तो मैं करेक्टर के हिसाब से लिखता हूँ। भाई अगर करेक्टर के बाहर आप किरदारों से बाहर हैं तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ जो वो पंक्तियाँ ऐसी जो आपने किसी किरदार के लिए लिखा है, सिर्फ अपने लिए लिखा हो, ऐसा कुछ आप बता सकते हो? ऐसा मैंने ऐसा कुछ ऐसा कि मैं ऐसा हूँ ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी नज़में और बहुत सारी गज़लें लिखी हुई हैं जो मुझे लगता है, पता नहीं, अब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी एक्सप्रेस कर नहीं पाया हूँ, यकीन मानिए, मतलब मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ मैं क्या हूँ। इसी बारे में अगर ऐसा कहा जाए कि आप किरदारों की आवाज़ हैं तो प्रॉपर बैठेगा जी, मैं किरदारों के दिल की आवाज़ हूँ, किरदारों की आवाज़ अरिजीत सिंह है। बहुत बढ़िया बात है, दिल की आवाज़ क्या बात है। सो ओके, वन लास्ट क्वेश्चन ओनली बिकॉज वी आर ओके, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरशाद जी हैज़ अ वेरी वेरी बिजी डे अहेड ऑफ हिम, शाम को उनका परफॉर्मेंस है काव्य मुद्रा में, अगर आपके पास किसी अगर आपके पास हाँ प्लीज़ इनको बताइए, समय हो तो आइएगा ज़रूर, आपको यकीन मानिए अच्छा लगेगा। हाँ ये मैं बहुत
जिसे कहते हैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा आके, बहुत ही अलग किस्म का प्रोग्राम है। Yes, what next? Yeah, I will need the mic. Is the mic? No, no, yeah, okay. अरे लो ना, please लीजिए. Okay, so there will be a word of thanks, Nikita. Who is giving the Karan is giving the word of thanks. Yes, so that will be doing with word of thanks. धन्यवाद, मुझे धन्यवाद देने के लिए, बुलाने के लिए। और उससे पहले कि मैं धन्यवाद दूं, और हम लोग कोई तीन सबसे अच्छे जो प्रश्न पूछे गए उनको जो बुकमार्क प्रभाकेतन फाउंडेशन की ओर से दिए जा रहे हैं वो आप दे पाए। मुझे नहीं पता, मेरे लिए सब क्वेश्चन जो लैंग्वेज का सवाल, आई थिंक पहला या दूसरा सवाल था, हाँ वो लैंग्वेज अशोक जी का सवाल, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। आइए, मतलब मुझे ऐसा तो देखिए सवाल लिखिए सर, सर पहले नाद ब्रह्म होता था, अब सवाल ब्रह्म है। सच कह रहा हूँ, जरूर कीजिए किसी सवाल, आज के जमाने में आज का ब्रह्म सवाल है। मुझे आप बताइए, आप मैंने तो एक बता दिया। आई थिंक इनका प्रश्न बहुत ही मनीष कुमार। थैंक यू करण जी, थैंक यू वेरी मच, ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है भाई। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। स्थिर पटेल सर, तन फाउंडेशन की ओर से, कर्मा फाउंडेशन की ओर से, और बहुत खूबसूरत जो जगह है हमारी द हाउस ऑफ एम जी, उनकी ओर से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इरशाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे और हमको आपके जो वार्तालाप है उससे हमको लाभान्वित किया। आपको हमेशा हम पर्दे पे सुनते आए हैं, आज रूबरू आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच जुमाना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने भी जी जी वो हाँ जी अवेलेबल है, किताबें यहीं पर हैं सर की, जो नेक्स्ट बुक है आप प्लीज़ आइए उनसे ऑटोग्राफ लीजिए और हमसे बात की। और आज का इतना जो समा है वो आप लोगों के बिना अधूरा था, तो आप जो आए हैं, जो ऑडियंस हमारे मेहमानगण, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपसे ऐसे ही मिलता रहूँगा, ऐसे वादे के साथ, आज जुदा होने की मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।